तो ये हम लोग लिए हैं फूल, ये ऑरेंज वाला, ये येलो वाला है गेंदा का मैरीगोल्ड, और ये लोटस का लिए हैं। ये लड़ी कलकत्ता से, ये लड़ी है बहुत सुंदर सुंदर, वहाँ मिलता था बहुत सारा मिल रहा था, लेकिन बस सामान इतना ज़्यादा हुआ था कि हम लोग ले नहीं पाए। तो ये वाला पर्दा पसंद किया सबसे पहले हॉल के लिए, और काफ़ी मोटा है ना। हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज, कल है दीपावली, और ये ब्लॉग में भी आप लोग दीपावली के दिन देखो, तो एक दिन पहले हम लोग ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं, और हम लोग बेसिकली अभी मार्केट जाने के लिए तैयार हुए हैं। हम भी तैयार हैं, और ये लोग भी एज यूजुअल अपना तैयार हो रहे हैं। क्यारा भी तैयार होके बैठी हुई आराम से। और एक्चुअली में हम लोग मार्केट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को सामान लेना है। कौन सा सामान लेना है? घर डेकोरेशन का ना नेहा? तो हम, हाँ, क्यों रो रही थी? वहाँ पे रो रही थी तुमको, हम बोल रहे थे हम आ रहे हैं बोले थे ना, तो फिर क्यों रो रही थी? गुड गर्ल है या बैड गर्ल है? कह रहा बताओ, गुड गर्ल है तो फिर क्यों रो रही थी? तो हम लोग अभी, आप लोग ब्लॉग में बने हुए रहिएगा, देखिएगा हम लोग क्या क्या शॉपिंग करने वाले हैं फॉर आवर होम डेकोरेशन। हे गाइस, तो अब हम लोग मार्केट के लिए निकल रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो क्यारा को तैयार करने में एक घंटा, बहुत बदमाशी करती है। अभी चप्पल ढूंढ रही है, यहाँ नहीं है। मम्मी बोल रही है मम्मी तुम ढूंढो, खोलती खुद और बोलती हो तुम ढूंढो। तो अभी जा रहे हैं घर का कुछ सामान लेने के लिए, तो आपको सब कुछ दिखाएंगे हम लोग क्या क्या ले रहे हैं डेकोरेशन के लिए। यहाँ पे क्या रहा? चप्पल यहाँ पहनो। क्या क्या ले रहे हैं हम लोग डेकोरेशन के लिए, मतलब हर साल सोचते थे कि ले लेंगे, जब से हम यहाँ आए 5-6 साल से सोचते थे ले लेंगे, लेकिन इस बार हम लोग सोच नहीं रहे हैं, बस ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आए हैं, क्या लेना नेहा? पर्दा देख लो, अच्छा पूरे हॉल के डेकोरेशन के लिए और अपने रूम के लिए पर्दा लेने के लिए आई है, पसंद करो। तो ये वाला पर्दा पसंद किया सबसे पहले हॉल के लिए, और काफी मोटा है ना। हाँ, मतलब पिंक वाला, ये वाला और ये। तो अभी हम लोग फूल लेने आए हैं, तो घर का डेकोरेशन के लिए, तो यहाँ पे अभी ले लिए हैं बहुत सारा फूल लिए हैं, क्योंकि रंगोली के लिए भी हम लोग को लेना था फूल, और मंदिर को डेकोरेट करने के लिए भी फूल लेना था, तो ये लेके कहाँ जा रहे हैं फूल, इतना सारा फूल लिए। अभी हम लोग फिर से रुक गए नारियल पानी पीने, तो ही बोले नारियल पानी पिए, नारियल पानी ये पी रहे हैं, और क्यारा भी पिएगी। नहीं, आप पीजिए, आप पीजिए ना, पीजिए ना, हम तो वीडियो बना रहे हैं ना। तो ये वाला क्यारा के लिए कट रहा है, छोटा वाला, देखते हैं इसमें पानी है कि नहीं। पानी है इसमें, उसको दे दे। यहाँ मजा से नारियल पानी पी रही है। अच्छा है क्यारा, कैसा है? यम्मी मिल गया तुमको भी, पियो जल्दी जल्दी। है इसमें, कह रही है मेरा हो गया। तो अभी कैंडल ले रहे हैं, दिया तो दिया, लेकिन ना देख के देख लीजिए, ठीक है साइज? हाँ साइज ठीक है, इतना छे बोले, छे गो है और क्या बोले, और है छे गो घर में, एक डिब्बा है, एक और दे दीजिए, एक और डिब्बा दे दीजिए, और क्या सर? और तो क्यारा के लिए क्या ले रहे हैं? क्यारा के लिए फुलझड़ी, पटाखा, पटाखा और फुलझड़ी ले रहे हैं। पटाखा, हाँ हाँ, हरा कलर का है, कौन सा? और एक ही में क्या रंग है? अलग अलग पता चलता है, अनार बड़ा वाला, अनार रंगीन वाला अनार। हाँ बस, और क्या लीजिएगा? और उड़ाने वाला ले लीजिएगा, चलेगा ना अच्छा से? कौन सा कलर है? सब कलर का निकलेगा ना। तो अभी
अभी दिखाते हैं आपको हम लोग क्या क्या लिए हैं, मतलब सजावट का सामान और पटाखा छूट रहा था, पटाखा और कोको भौंकता है जब भी पटाखा छूटता है। हाँ, उसको डर लगता है, कोको को बहुत भौंकने लगता है, कोक्यारा को भी डर लगता है। तो अभी ये इनका थोड़ा काम है। हे फैमिली, तो ये हम लोग लिए फूल, ये ऑरेंज वाला, ये येलो वाला है गेंदा का मैरीगोल्ड, और ये लोटस का लिए हैं, जो कि लोटस है नहीं लेकिन लीव्स के लिए हम लोग लिए हैं ताकि रंगोली बनाने में काम दे। और ये पर्दा लिए हैं ये सब पर्दा बहुत पुराना हो गया था, ओल्ड हो गया था, तो ये हम लोग अपने रूम के लिए पर्दा के लिए लिए हैं पहली बात। और ये लिए हैं कहाँ के लिए लिए हो ये वाला नेहा? ये लड़ी कलकत्ता से, ये लड़ी है बहुत सुंदर सुंदर वहाँ मिल रहा था, बहुत सारा मिल रहा था लेकिन बस सामान इतना ज़्यादा हुआ था कि हम लोग ले नहीं पाए। ये हुआ, और ये है एक पैर वाला है मैट, और भी कुछ था, लाइट तो है ही, और भी था वो भगवान जी वाला भी लिए थे ना हम लोग, वो निकाली ना, दिखाओ भगवान जी हैं, गणेश जी लक्ष्मी जी का, और साफ भी करना होगा, ब्लैक हो गया, और इसमें सेट है गणेश जी लक्ष्मी जी का, इस बार बना बनाया हुआ कपड़ा हम लोग ले, क्योंकि कोलकाता से लिए थे तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर मिल रहा था। और माला और दिया कहाँ से ली हो? कोलकाता से। तो ये पुराना वाला पर्दा देख लीजिए हम लोग का, और जब मॉडिफाई करेंगे इसको तो देखिएगा कैसा लगता है, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। हे फैमिली, तो अब नया लुक देखिए हमारे इस रूम का, ये पूरा कैसा लग रहा है, पूरा चेंज हो गया, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ना नेहा, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है क्या रहा तुमको, इधर देख के बोलो। पहले से तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग पूरा रूम को फिर से रीडेकोरेट, मतलब अरेंज किए हैं दूसरे, मतलब जो भी था उसको सब इधर उधर कर दिए हैं। तो दिखाते हैं आपको यहाँ से स्टार्ट, ये पर्दा और ये जो सोफ़ा इधर रखा हुआ था वो हम ये सामने कर दिए हैं, और ये फूल का तैयारी कर रहे हैं या मंदिर को सजाने के लिए। और देखिए चौकी तो वहीं है, और डाइनिंग टेबल यहाँ कर दिए हैं। तो ये मंदिर को डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि कल तो बहुत कम टाइम मिलेगा हम लोग को, क्योंकि कल दीपावली है, बहुत सारा काम भी हो जाता है सुबह सुबह। ए फैमिली, तो मंदिर भी हम लोग का सज गया है फूल से, अब थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फी के लिए अब थोड़ा सा सजाना है, थोड़ा सेल्फी लुक यहाँ पे, ताकि कल हम लोग जो सेल्फी ले यहीं पे आज प्लान किए हैं, इसलिए साला लोकेशन हम लोग को चेंज करना पड़ा इधर से उधर, तो यहाँ पे सेल्फी के लिए अब थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो आप लोग ने देखा था कि यहाँ पे भगवान जी का घर हो गया था, और ये थोड़ा सेल्फी के लिए भी हो गया, और पूरा लाइटिंग वहाँ पे एकदम मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जब यहाँ पे रिंग लाइट जलेगा ना ऑसम लगेगा। क्या रहा, कैसा लग रहा है? ऑसम। और इतना फूल बच गया है जो कि हम आप लोगों को दिखाएंगे कल वाले, मतलब दिवाली वाले ब्लॉग में, वो देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा, और यहाँ पे रंगोली बनेगा वो दिवाली वाले ब्लॉग में दिखाएंगे, मतलब जो दिवाली के नेक्स्ट डे आएगा ना। और क्या बच गया, हो गया सारा चीज़।